यदि भारत मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो अब मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर जैन भारत में रह पाएंगे? हिंदू भारत में रह पाएंगे? सिख भारत में? क्या ये मुसलमान, यदि ये भारत मुस्लिम देश बनता है तो क्या भारत में हिंदू को मुसलमान रहने देंगे? पाकिस्तान में रहने दिया क्या? पाकिस्तान छोड़ो, कश्मीर में रहने दिया क्या? आज तुम लड़ लो जातियों पर, हो जाओ तुम अलग अलग, लेकिन जिस दिन तुम अलग अलग हुए तो क्या होगा? ये देश मुस्लिम, भारत भी एक दिन मुस्लिम देश बन जाएगा और फिर ना कोई जैन रह पाएगा, ना कोई हिंदू रह पाएगा, ना कोई बौद्ध रह पाएगा, ना कोई सिख रह पाएगा, ना कोई संप्रदाय रह पाएंगे, हाँ या ना? फिर वो किसे रहने देंगे? फिर आर्य समाजी रह पाएंगे क्या? बोलो, फिर आप सब रह पाओगे? इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बटो ना, यदि बट गए तो मिट गए। ये बात मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद देख लेना, ये दौर आएगा जरूर। बढ़ती जनसंख्या, आप मानो ना मानो, एक दिन तुम्हारे सिर पे आके ये दिन खड़े जरूर होंगे। आज आप लोग, हम लोग बच्चे हैं, कल जब आपके बच्चे होंगे तो आप पर ये संकट नहीं आएगा तो आपके बच्चों पर यह संकट जरूर आएगा। इसके लिए चाहिए क्या? सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, भारत को बचाना है। आज आपको आश्चर्य होना चाहिए कि भारत के बहुत सारे राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, हाँ या ना? आंखें बंद कर लेने से रात तो नहीं हो जाती ना मेरी मां? आप सच को स्वीकार ना करो, आप मेरी बात ना मानो, तो भी क्या आपके सामने से युद्ध टल रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने टालना चाहा था महाभारत का युद्ध, गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, ए दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, नहीं माना ना? बोलो, बोला सुई की नौक बराबर भूमि मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ? महाभारत हुआ। याद रखिएगा, युद्ध तो होगा। अब आप ये बताओ कि क्या आप तैयार हैं युद्ध करने के लिए? अपने अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, या तो आप भाग जाओ जैसे पाकिस्तान से भागे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो भागो। तो बांग्लादेश से भागे कि नहीं? बोलो हाँ। पाकिस्तान से भागे कि नहीं? बोलो हाँ। कश्मीर से भागे कि नहीं? बोलो हाँ। अब आप जिस दिन भारत से भगाए जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? या तो तैयारी करो। तैयारी क्या? अपनी बेटियों को आत्मरक्षक बनाओ, झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, और बेटों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनाओ, अर्जुन बनाओ। आने वाले 20 सालों को भी देखो, आने वाले 40 सालों को भी देखो, आज 2024 को ही मत देखो। बेवकूफ हैं वो लोग जो 2024 को देख रहे हैं, आने वाला वक्त भी आपके सामने है। समझदार लोग ना वर्तमान को नहीं देखता। आपने देखा होगा अंबानी को, जियो की सिमाई, सबसे पहले सबको फ्री में बांटी, फ्री में डेटा दिया, फ्री जितनी बात करना है, जितना इंटरनेट चलाना है, चलाए कि नहीं? साल भर 2 साल तक फ्री रखा। बोलो हाँ हाँ। लेकिन 2 साल बाद 500 का, 600 का लाओ। वो व्यक्ति ने 2 साल तक नहीं सोचा, कुछ देखा नहीं, उसे पता, उसने 20 साल आगे की प्लानिंग की थी उस सिम के साथ, 20 साल बाद का रिवेन्यू जनरेट कर दिया था उसी समय से। बुद्धिमान 10 साल आगे का सोचता है। एक सामान्य व्यक्ति तो सोचता है यार सवेरे खा लिया, शाम को खाऊंगा कि नहीं। थोड़ा और समझदार वो थोड़ा 4 दिन बाद का भी सोचता है, और समझदार 10 दिन बाद का भी सोचता है, लेकिन जो बहुत समझदार होते हैं वो सालों बाद का सोचते हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने, तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लगभग रामचरितमानस लिखी, 1554 में। तुलसीदास जी उस समय थे 1500 के लगभग की बात, आज कौन सा चल रहा, 2000, और तुलसीदास जी कब थे, लगभग 1554। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा वो उस समय के लिए नहीं लिखा था, 1500 के लिए या 1600 के लिए। तुलसीदास जी ने जो लिखा
वो आने वाले हजारों साल के लिए लिखा था, आगे के लिए क्या होगा उत्तरकांड पढ़ लेना, सब कुछ लिखा है। आप लोग 10 साल बाद कभी नहीं देख पा रहे हो, और तुलसीदास जी ये लिख दिए, हमारे पुराणों में ये लिखा है कि कलयुग के आखिरी में क्या होगा, मतलब हजारों लाखों साल बाद भी क्या होगा। हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि ऐसी थी, 1 लाख साल बाद क्या होगा वो जान गए और लिख दिया कि भय वरण शंकर सब भिन्न सेतु सब लोग, कलयुग के आखिरी में लोग वर्ण संकरी हो जाएंगे, मनमाना आचरण करेंगे। आज देखो वही चल रहा है, ये लड़का वो लड़की, संतान वर्ण संकरी, कोई मां बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। मां नहीं, देखो लिखा है, रामचरितमानस की चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ आप लोग करना, बोलो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। क्या अर्थ हुआ इसका कि कलयुग में मां नहीं मात, बेटा अपनी मां को नहीं मानेगा, वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी हो जाएगी, बेटा मां की सेवा करेगा नहीं, निकाल देगा। लिखा है मां नहीं मात पिता, मां बाप को नहीं मानेगी संतान आगे की, कहां मान रही आज की संतान अपने मां बाप को। तुलसीदास जी ने 1500 में लिखा है ये सब कुछ, और आज 2024 चल रहा है, जो लिखा था सही हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति ऐसे हुए संत, सैकड़ों साल बाद की दृष्टि थी कि नहीं, बोलो हाँ। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, देवताओं को भी नहीं मानेंगे, बाप का पिंडदान भी नहीं करेंगे, तर्पण भी नहीं करेंगे, साइंस की 4 बुक पढ़ के बोलेंगे जी अपनी वैज्ञानिक अपनी जो भगवान है, खुद कोई भगवान मान लेंगे। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूं कि अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, हर तरह से उन्हें जीवन जीना सिखाओ, हर परिस्थिति का वो डटकर सामना कर सकें, ऐसी परवरिश माता पिता दें। माता सीता ने नहीं सोचा था कि मुझे जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर वो समय आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना, पता नहीं कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए। इसलिए हर समय के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार रखो। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को भगवद गीता पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, वेद पढ़ाएं, पुराण पढ़ाएं, बच्चों को उपनिषद पढ़ाएं, वेदांत पढ़ाएं, तर्कशास्त्र पढ़ाएं, भारत का इतिहास पढ़ाएं, भारत के महान पुरुषों के जीवन में घटी घटनाओं से सिखाएं। सीखना कैसे होता है, आप महाराणा प्रताप को पढ़ो, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, झांसी की रानी को पढ़ो, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उनसे सीख ले लो। क्या निर्णय अहिल्याबाई ने लिए, वो सीख ले लो। महाभारत पढ़ो, क्या हुआ था अभिमन्यु के साथ, कहीं आपकी गलती अभिमन्यु की तरह तो नहीं है,